नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे आपको पांच बेहतरीन शेयर फार्मा सेक्टर के, जिस पे अभी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए विथ स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस का आप इन्वेस्ट ना करें, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पाँचों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, अभी इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे आपको स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करने की। तो चलिए हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, फंडामेंटल्स हम इसके बारी बारी से अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अभी जो करेंट प्राइस है इसका, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये एक डायग्नोस्टिक लैब है और एक एमएनसी कंपनी है, मतलब इसका बांग्लादेश जैसे हो गया और कई सारे देशों में इसके जो सेंटर्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक बड़ी तेज़ी, यहाँ पर कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया, डेली चार्ट हमने लगाया है, आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर देखना है, स्टॉक बुलिश हो तभी आपको इन्वेस्ट करना है। डेली चार्ट पर देखते हैं स्टॉक्स बुलिश है क्योंकि इसका जो आरएसआई है वो कभी भी 40 के नीचे नहीं गया है। तो अभी ये देखते हैं ये यहाँ पर अपना बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर फिर से इसमें तेजी देखने मिला है। तो जैसे ये इस लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2100 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा तो इसमें एक बड़ा तेजी देखने मिलेगा, क्योंकि जो 2100 रुपया है अभी इसका मतलब रिसेंट हाई है। तो इसको जैसे ये क्रॉस करता है तो एक बड़ा यहाँ से मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो हो सकता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें या आप 2100 रुपया के क्रॉस करने का वेट करें। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि किस प्राइस पे आप जो है उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, या कहें पर्सनल ट्रेडिंग, या कहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ से अगर तेजी बना रहा तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। अगर जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लीजिए, वहाँ स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर वहाँ क्रिएट हो जाता है जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है। जीरोधा में अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन देकर लिंक से ओपन कीजिए। तो यहाँ से जैसे ये 2100 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगा करके आप अभी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका अभी का जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1700 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप यहाँ से मोमेंटम का वेट कर सकते हैं या आप 2100 रुपये के क्रॉस करने का वेट कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर जो 2100 रुपया वही स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है जब इसको क्रॉस कर लेगा तो ये रेसिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट के जस्ट आपके ऊपर या जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं, आप अपने मतलब जो रिस्क है उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वहाँ पे। दूसरा है हमारा IOCL, मतलब ये हमारा IOCL जो है फार्मा और केमिकल दोनों कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ये भी काफ़ी समय से इसमें तेजी है। और इसका जो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कुतुब मीनार जैसा ये दिखेगा, और यहाँ पर आकर के ये काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम आ चुका है, हो सकता है यहाँ से मतलब ये तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रहा है, लेकिन जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई मतलब 900 रुपये के क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक आपको इसमें मतलब इंतजार करनी चाहिए कि ये स्टॉक में हो सकता है एक बड़ा करेक्शन भी आ जाए। तो यहाँ पर आप वीकली चार्ट में देखते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मोमेंटम इसमें आया है, एक 150 रुपीज़ के प्राइस से ये 900 तक के प्राइस जा चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न, 600% का रिटर्न यहाँ से दे चुका है ये अप्रैल महीने से, मार्च महीने से। तो दोस्तों इतनी बड़ी मोमेंटम इस स्टॉक में आता है ऐसे स्टॉक में, तो आप स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये जो यहाँ पर कंसोलिडेट किया तो इसका प्राइस है 700, तो अभी मात्र आपको 60 रुपीज़ का यहाँ पर 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। तो आप चाहे तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप ऑल टाइम हाई जो इसका है 900 उसका वेट कर सकते हैं, उसको क्रॉस करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें विथ स्टॉप लॉस करें, क्योंकि ये सारे स्टॉक इतने ज़्यादा रैली कर चुके हैं कि एक बड़ा करेक्शन मतलब यहाँ से 20% 40% तक का करेक्शन भी इसमें आ सकता है, तो इसलिए आप सतर्क रहें और विथ स्टॉप लॉस आप इसमें पोजिशन बनाएं। उसके बाद जो एक और स्टॉक वो है आरती ड्रग्स। दोस्तों इसमें लगातार अपर सर्किट, जब से ये स्टॉक बोनस दिया है, बोनस शेयर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोनस शेयर के बाद जब स्टॉक का प्राइस एडजस्ट हुआ तो ये मात्र 700 का था, वहाँ से आप देख लीजिए 1 2
तीन चार पाँच छः सात सेवन डेज में ये स्टॉक 700 से आ गया है 850। मात्र एक सप्ताह में आपका रिटर्न देखते हैं 700 रुपीज़ के स्टॉक पे 150 रुपीज़ का रिटर्न। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ देखते हैं इसका ऊपर जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर वो है 930 रुपीज़ इसका रेसिस्टेंस। अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 900 या उसके एबव ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता अपने रेसिस्टेंस को तब तक हो सकता है इसमें फिर से करेक्शन भी आ सकता है। जो स्टॉक जितनी तेज़ी से बढ़ता है उसमें उतना तेज़ी से गिरावट भी होती है। तो इन सब बातों से सतर्क करके फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक में अभी काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर के ये स्टॉक देखते मात्र 110 रुपीज से यह जा चुका है 850 रुपीज, मतलब 800 टाइम्स का 800% का रिटर्न मात्र आपको मार्च महीने से अभी तक में मिल चुका है। दोस्तों इतना बेहतरीन रिटर्न, कई साल लग जाते हैं लोगों को, 10-10 साल लग जाते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करने के लिए। आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा लूडोज लैब, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसमें देखिए तो आप यहां पर यह कंसोलिडेट कर रहा है और जब कंसोलिडेट के बाद इसमें मोमेंटम बना है, तो अगर ये इस प्राइस को क्रॉस करता है 300 रुपीज से ऊपर के प्राइस को तो एक बड़ा मोमेंटम आपको इसमें देखने मिल सकता है। तो आप चाहे तो अभी इसमें स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं कि 310 रुपीज़ 320 रुपीज़ से एवब जब जाता है तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 5% का सर्किट लगा हुआ है आज, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंटम आ चुका। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मूवमेंटम है, मतलब ये सारे के सारे जो फार्मा स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो ये भी 300% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। यहाँ पर देख लीजिए जो मार्च में गिरावट था मात्र 60 रुपीज़ 65 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस था, और यहाँ से 3 times आप कर दीजिए तो देख सकते हैं, 3 times छोड़िए, 3 times मत बोलिए, ये 500 times का रिटर्न यहाँ से गिरावट के बाद दे चुका है, 500 times के अप्रॉक्स। तो दोस्तों इतना बेहतरीन स्टॉक्स है। तो इन सब स्टॉक में आप स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है या एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो बड़ा मोमेंटम मिलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलेंगे, अगर करेक्शन होता है तो आपका स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन सब स्टॉक्स हैं। उसके बाद जो हमारा है APLL लिमिटेड, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। ये भी स्टॉक्स में देख सकते हैं अभी ये ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ से जैसे ये आगे निकलता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा 900 के आसपास। तो ये भी स्टॉक्स मतलब अपना रेसिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करता, ऊपर कई सारे रेसिस्टेंस यहाँ पर पहले कंसोलिडेट हो रहा था 1000 के आसपास, फिर ये आप 11000 के आसपास ये अपना मतलब 11000 के ऊपर अपना हाई बनाया है, तो ये भी रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तो इन दोनों रेसिस्टेंस को जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता तो आपको बड़ा मोमेंटम एक बड़ा तेजी इसमें देखने नहीं मिल सकता है। तो आप इस मतलब लेवल्स को क्रॉस करने का वेट कर सकते हैं या विथ स्टॉप लॉस आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अपना ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पर अगर अपने मतलब ऑल टाइम हाई के करीब है, अगर अपने ऑल टाइम हाई 1100 के ऊपर क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको इसमें देखने मिल सकता है। तो ये 5 बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप स्टॉप लॉस के साथ जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सारे जो स्टॉक आपको हमने बताया RSI पर देखिए वीकली चार्ट पे, तो देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, मात्र एक बार ये देख सकते हैं 40 को क्रॉस किया है नीचे RSI, नहीं तो हमेशा जो इसका स्ट्रेंथ है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है कि स्टॉक बुलिश है। उसी तरह से आप डेली चार्ट पर देख लीजिए या आप वीकली चार्ट पर देख लीजिए, देख सकते हैं लूडोज लैब ये भी काफ़ी बेहतरीन, ये देख सकते हैं 40 पे सपोर्ट लेकर हमेशा देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। तो यहाँ जो मार्च में गिरावट आया उसके बाद सारे के सारे स्टॉक काफ़ी बुलिश है। ये भी देख सकते हैं कि गिरावट जो आया था वहाँ पर 40 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद लगातार ये बुलिश में है। तो सारे स्टॉक जो आपको पाँचों जो स्टॉक दें हैं पाँचों यहाँ पर देख लीजिए,
ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे ये RSI यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आप यहाँ पर ऊपर अप ट्रेंड फिर से पकड़ रहा है। जैसे ये अप ट्रेंड मतलब जैसे ये RSI आपको यहाँ पर क्रॉस कर रहा है 50 को तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये क्रॉस करते चला गया RSI 60 को तो समझ जाइए स्टॉक बुलिश है और अपने ऑल टाइम हाई को जरूर क्रॉस करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये पाँचों स्टॉक्स पसंद आया हो, पाँचों स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक आपको काफ़ी बेहतरीन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाँच में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए विथ स्टॉप लॉस, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।